नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा चैनल लेटेस्ट न्यूज़ में। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि यूपी में एक बार लॉकडाउन लगने का फिर से खतरा शामिल होने जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि बड़ी खबर, यूपी में एक दिन और लॉकडाउन, अब शुक्रवार 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक रहेगी बंदी। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूँ, दरअसल बीते मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर सुनवाई करते हुए 2 दिनों के लॉकडाउन को नाकाफी बताते हुए कहा था कि सरकार ने अपने विवेक के अनुसार संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 2 दिन का लॉकडाउन लगाया है, साथ ही अन्य पाबंदियां भी लागू की है, पर संक्रमण के लिए मामलों को देखते हुए निरंतर ही लग रहा है। आपको बता दें दोस्तों, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में कोरोना में बेकाबू होते हालात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने सप्ताहांत लॉकडाउन 1 दिन और बढ़ा दिया है। अब प्रदेश में शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक बंदी रहेगी। बता दें दोस्तों कि पहले जारी किए गए आदेश के मुताबिक शनिवार और रविवार लॉकडाउन लागू रहेगा। और दरअसल बीते मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के कोरोना स्थिति पर सुनवाई करते हुए 2 दिनों के लॉकडाउन के नाकाफी बताते हुए कहा था कि सरकार ने अपने विवेक के अनुसार संक्रमण के चेन तोड़ने के लिए 2 दिन का लॉकडाउन लगाया है, साथ ही अन्य पाबंदियां भी लागू की है, पर संक्रमण के नए मामलों को देखते हुए ये निरंतर ही लग रहा है कि उपाय नाकाफी प्रतीत होते हैं। लॉकडाउन को मंगलवार सुबह तक बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी एक वजह माना जा रहा है। दोस्तों तो आपको दोस्तों मैं बता दूं, हाईकोर्ट ने सुनवाई पर सरकार कड़े शब्दों में कहा था कि जो लोग सत्ता में है वो मेरा फायदा मानो, वरना कोई फायदा नहीं, जैसा रवैया छोड़ दे। मामलों में हाईकोर्ट ने सरकार के 3 मई को होने वाली सुनवाई में संक्रमण रोकने के लिए 12 बिंदुओं पर कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। दोस्तों तो आपको दोस्तों बता दें कि इसके पहले सरकार ने 16 अप्रैल को 35 घंटे का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी, जो कि शनिवार रात 8 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू था। हालांकि संशोधन करते हुए फिर शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार रात 7 बजे तक लॉकडाउन का निर्णय लिया गया था। दोस्तों आपको दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपको आप अगर ये काम करके नहीं जाते हैं दोस्तों, अगर बाहर जाते हैं आप, तो आपको भारी नुकसान पड़ सकता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। बिना मास्क के बाहर निकलने वालों पर पहली बार 1000 रुपये जुर्माना लिया जाएगा तथा दूसरी बार 10 गुना ज़्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों तो प्रदेश सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल में कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देश दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आपको इसे पालन करना है दोस्तों, नहीं तो आपको 10 गुना ज़्यादा आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है दोस्तों, और आपको जेल भी हो सकती है। दोस्तों तो आप लोग इसका पालन करके चले दोस्तों। तो नमस्कार, मैं इस वीडियो में अलविदा लेता हूँ। तो आपके जो वीडियो में नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कोई भी नया वीडियो आए उन तक पहुँच सके। दोस्तों तो नमस्कार, मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों आप सबको।